So, hello dear all, welcoming you all on Manish Academy, join the learning revolution. So everyone, जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी social study की class हो रही थी, जिसमें class बन हो भी चुकी है. इसमें आपका topic चल रहा था सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एवं प्राकृतिक शक्तियों का मानव जीवन पर प्रभाव. So everyone, आज हम class 2 में भी वही class को continue करेंगे, क्योंकि obviously class थोड़ी सी बड़ी है, तो class को आज भी हम वहीं से continue कर रहे हैं. क्लास वन में मैंने आपका सौर मंडल पढ़ा चुका था, जो कि सोलर सिस्टम था. नेक्स्ट अब आपका इसी से आगे टॉपिक है सूर्य, तारा, यानी आज की क्लास में हम सन देखेंगे. तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी जल्दी शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का टॉपिक. एंड यस, कुछ ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, वो भी आप देख लेंगे आराम से बैठ के. एंड आज का आपका टॉपिक होने वाला है, जैसे कि आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं, सन एंड अर्थ. आज हम कवर करने वाले हैं सूर्य को और पृथ्वी को. इससे नेक्स्ट सौर मंडल के बाद आपकी सन और पृथ्वी ही आ रही हैं टॉपिक में, तो आज हम उन्हीं को कवर करने वाले हैं. सो एवरीवन, यहां से हम देखेंगे, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है सूर्य. सबसे पहले हम देखेंगे कि सूर्य आखिर होता क्या है. आप सभी ने सूर्य देखा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है. ये एक बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सूर्य तो आप सभी ने देखा होगा. इवन हम सूर्य को रोज़ देखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि कभी कभी देखते होंगे, ऐसा नहीं है. सूर्य को हम डेली देखते हैं. तो आइए यहाँ से समझते हैं कि सूर्य आखिर होता क्या है. देखते तो रोज़ हैं, लेकिन कुछ बातें हमें उसके बारे में नहीं पता, वो हम यहाँ से देखेंगे. तो नंबर वन पॉइंट है आपका, यह अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है. यह यानी सूर्य अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है. अभी आप समझेंगे कि सोचेंगे कि ये इसमें कौन सी बड़ी बात है, अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, क्योंकि अब तक तो आपने सिर्फ सूर्य को प्रकाशित होते हुए देखा होगा. तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मून को देख के भी आपको यही लगता होगा कि अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है, लेकिन ऐसा नहीं है. मून जो होता है, थोड़ा सा वेट करेंगे, मून जो होता है वो सूर्य से रोशनी लेता है तब प्रकाशित होता है. लेकिन सूर्य जो होता है वो ऐसा होता है कि ये अपने स्वयं के प्रकाश से प्रकाशित होता है. ओके, नंबर वन पॉइंट आपका हो गया, यह अपने प्रकाश से प्रकाशित होता है. देन आपका नंबर टू पॉइंट है, यह उसमें ऊर्जा का वितरण करता है. एक बात बताइए मुझे आप, जो सूर्य है वो इतने दूर है हमसे, लेकिन हमको उसकी जो ऊर्जा है, यानी जो गर्माहट है, गर्मी है, वो हमें पृथ्वी पर मिलती है. तो ये क्यों मिलती है, क्या ऐसा कारण है कि ये हमको ऊर्जा पृथ्वी पर ही पर भी मिलती है? तो इसका एक स्वाभाविक सा कारण है कि ये अपनी ऊर्जा का वितरण यानी होता है बांटना. तो ये अपनी ऊर्जा को बांटता है पृथ्वी के साथ भी, इसलिए हमको पृथ्वी पर भी इसकी ऊर्जा मिलती है. नंबर थ्री पॉइंट देखेंगे, सूर्य पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है. यानी सूर्य जो है आकार में पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है. सोचिए आप कितना ज़्यादा बड़ा होगा, पृथ्वी से 100 गुना बड़ा है. यानी अगर पृथ्वी एक है तो सूर्य 99 है, इतना बड़ा है. नंबर फोर्थ देखेंगे, सूर्य गैसों का एक गोला है, मुख्यतः हाइड्रोजन गैस होती है. यानी सूर्य जो है वो अनेकों गैसों से मिलकर बना हुआ है, और इसमें जो आपकी मुख्य गैस होती है वो हाइड्रोजन होती है. तो आई होप आपको ये चार पॉइंट क्लियर हो गए होंगे. अगर एग्ज़ाम में आपको सूर्य के बारे में लिखने के लिए पूछा जाता है, या फिर आपको दिया गया होता है कि सूर्य को विवेचात्मक ढंग से बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, तो आप लिख देंगे ये चारों पॉइंट, तो आपका जो सूर्य है वो एक्सप्लेन हो जाएगा. अभी नीचे देखते हैं कि सूर्य को तीन भागों में विभाजित किया गया है. अभी ये तो आपके सूर्य के गुण हो गए, अभी आपका सूर्य है वो तीन भागों में विभाजित भी किया गया है. तो देखेंगे कौन कौन से भाग हैं वो. सबसे फर्स्ट आपका जो भाग है वो है नाभिक, यानी न्यूक्लियर. सबसे बीच में होता है ये सूर्य के नाभिक, जिसको नाभिक कहते हैं. तो देखेंगे कि हम नाभिक आखिर होता क्या है. नाभिक को सूर्य का केंद्रीय भाग कहते हैं, यानी जो सूर्य का केंद्रीय भाग होता है उसको नाभिक कहते हैं. नाभिक का ताप लगभग 2 करोड़ केल्विन तथा दाब लगभग 2×10^16 पास्कल होता है. यानी जो नाभिक का ताप जो होता है वो अत्यधिक होता है. सबसे ज़्यादा सूर्य का जो ताप होता है वो नाभिक में ही होता है. तो वो होता है आपका 2 करोड़ केल्विन तथा दाब यानी प्रेशर 2×10^6
16 होता है पास्कल। नाभिक में संलयन क्रिया होती है, यानी ये बता रहे हैं कि नाभिक में आपकी संलयन क्रिया चलती रहती है जिसके कारण ताप जो है वो उत्सर्जित होता रहता है। नेक्स्ट आपका है प्रकाश मंडल, दूसरी जो लेयर है सन की उसको प्रकाश मंडल कहते हैं। तो अभी देखेंगे सूर्य के नाभिक के चारों ओर बनी परत को प्रकाश मंडल कहते हैं। मीन्स जो नाभिक के बाहर सूर्य के चारों तरफ जो परत बनी होती है, लेयर होती है, उसको ही हम प्रकाश मंडल कहते हैं। इसका ताप 6000 डिग्री केल्विन होता है। ये आप क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली सन जो है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे इसको इम्पोर्टेंट कि इसका जो प्रकाश मंडल का ताप होता है वो 6000 केल्विन होता है, और जो नाभिक का होता था वो तो आपको पता ही होगा इतना ज़्यादा होता है, तो याद ही रहेगा कि वो होता है 2 करोड़ केल्विन। ओके, नेक्स्ट आपकी जो तीसरा है लेयर होती है सन की, वो है आपकी वर्ण मंडल। एक मिनट देंगे मुझको। वर्णमंडल, तो अब वर्णमंडल देखेंगे क्या होती है। प्रकाश मंडल के चारों ओर गैसों की एक परत वर्णमंडल कहलाती है। मींस आपकी सबसे पहली लेयर जो थी वो नाभिक थी, फिर नाभिक के बाद आपकी प्रकाश मंडल थी, प्रकाश के बाद थी आपकी वर्णमंडल। तो वर्णमंडल जो होती है वो आपकी वर्णमंडल जो होती है वो आपकी प्रकाश मंडल के चारों तरफ होती है। इसका जो वर्णमंडल है इसका एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नाम भी है, कि आप गैस कर सकते हैं कि वो नाम क्या हो सकता है। अभी हाल ही में जो बहुत ज़्यादा बीमारी चली थी पूरे वर्ल्ड में, उसी से रिलेटेड है कुछ, उसको कहते हैं कोरोना। उस लेयर को, वर्णमंडल की लेयर को कोरोना भी कहते हैं। अभी आपका ये समझना ज़रूरी है कि जो कोरोना लेयर होती है वो केवल सूर्य ग्रहण की स्थिति में ही दिखाई देती है। कोरोना लेयर जो आपकी सबसे चमकीली बाहर की तरफ, जो आपने कभी कभी देखा होगा सूर्य जब आप उगता हुआ देखेंगे तो उसके चारों तरफ देखेंगे कि एक चमकीली सी लेयर बनी होती है, पतली सी, उसी को कोरोना लेयर कहते हैं। लेकिन ये मुख्यतः आपकी जो सूर्य ग्रहण होता है, यानी जो सोलर इक्लिप्स होता है उसके जब वो सोलर इक्लिप्स से पड़ता है, मीन सूर्य ग्रहण पड़ता है, तब ये आपकी विजिबल होती है। वर्णमंडल में, वर्णमंडल जो लेयर होती है वो आपकी तभी विजिबल होती है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कोरोना लेयर या वर्णमंडल ये जो लेयर होती है वो कब विजिबल होती है, तो आप जो है टिक लगा देंगे कि वो आपकी जो सूर्य ग्रहण के समय विजिबल होती है। नेक्स्ट देखेंगे क्या है, सूर्य ताप। एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य ताप किसको कहते हैं, तो आप क्या लिख के आएंगे सूर्य ताप में, सूर्य ताप कहते हैं, वेट अ मिनट, सूर्य ताप कहते हैं पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाले सौर विकिरण को सूर्य ताप कहते हैं। मतलब कि जो पृथ्वी पर सूर्य की किरणें गिर रही हैं उन्हीं को सूर्य ताप कहते हैं। सूर्य ताप मीन्स क्या, सनी, जो हमारी सूर्य की किरणें हैं, मीन्स जो धूप है, इसको हम सूर्य ताप ही तो बोलेंगे। ये हमको गर्म ही तो महसूस होती हैं गर्मियों के दिनों में या सर्दियों के दिनों में, तो इसको इसलिए सूर्य ताप कहते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका फिगर भी है, फिगर आपको समझाने के लिए लेके आई थी मैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो सके। सूर्य की शरीर रचना, मीन्स बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ सन, तो आप इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो सकता है कि क्या है। देखेंगे सबसे पहले ये जो आपका सबसे बीच में, एक मिनट मुझे कलर चेंज करने दीजिए, ये जो आपके बीच में लेयर होती है बीच वाली लेयर, ये वाली तो इसको हम बोलते हैं कोर। ओके, इसको हम कोर बोलते हैं, और इसको बोलते हैं सूर्य किरीट, यानी कोरोना लेयर यानी वर्ल्ड मंडल। ओके, और इसको बोलते हैं संवहन क्षेत्र, यानी जो आपकी दूसरी वाली थी प्रकाश मंडल वाली, उसको बोलते हैं संवहन क्षेत्र, और ये रेडियोधर्मी क्षेत्र है। ये फिगर आपके हेडिंग से थोड़ा सा अलग है, लेकिन आप शॉर्ट में ये समझ लेंगे कि अगर आपसे पूछा जाता है कि सन का जो केंद्र होता है वो क्या होता है, वो होता है नाभिक, देन केंद्र के बाद जो लेयर आती है वो प्रकाश मंडल आती है, देन सबसे एंड में आपकी वर्णमंडल आती है। ये जो लिखा हुआ है वो वर्णमंडल आती है, तो ये आपकी सूर्य की संरचना है। आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए प्रकाश मंडल आपकी विजिबल नहीं थी, ये पेन के कारण प्रकाश मंडल आपकी यहाँ पे है।
ये प्रकाश मंडल लेयर आपकी यहाँ पे है, ये है प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर लेयर, ये आपकी यहाँ पे है। ओके, समझ गए होंगे आई होप आप। ये मैंने तीन ही लेयर आपको बेसिकली सन जो पढ़ाया है, आपके कोर्स में ही तीन ही लेयर है, तो मैंने आपको तीन ही बताई हैं। एक प्रकाश मंडल है, दूसरी आपकी वर्ण मंडल है, और ये बीच में जो है आपका वो नाभिक है, नाभिक। पे लिखने में बहुत प्रॉब्लम होती है, नाभिक, नाभिक है। ओके, नेक्स्ट आप देखेंगे क्या है, नेक्स्ट है आपका टॉपिक पृथ्वी, पृथ्वी यानी अर्थ। ये तो आप सभी को पता है पृथ्वी क्या होती है, जहाँ पर आप ऑब्वियसली रह रहे हैं, जहाँ पर आपका जीवन संभव हो पा रहा है, उसी को पृथ्वी कहते हैं। जिनको पृथ्वी के बारे में नहीं पता है वो क्लास बन जाके देखेंगे, क्योंकि उसमें मैंने सारे प्लेनेट को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है और पृथ्वी को भी किया है। लेकिन यहाँ पे पृथ्वी को हम दोबारा देख लेते हैं, क्योंकि अभी ये पूरा उसमें तो पूरा प्लेनेट पढ़ाया था, इसलिए पृथ्वी भी आया था, तो पृथ्वी के बारे में भी बताया था। लेकिन यहाँ पे है जो आपका वो सिर्फ और सिर्फ ओनली पृथ्वी है, तो हम पृथ्वी के बारे में जानेंगे। लेट्स सी क्या है, जीवन को व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए पृथ्वी का ताप रासायनिक क्रियाओं के संचालन के अनुरूप है। यानी यहाँ पे ये नंबर वन में कह रहे हैं कि जीवन को चलाने के लिए जो ताप चाहिए और रासायनिक क्रिया चाहिए वो केवल पृथ्वी पर ही उपस्थित हैं, उन्हीं के कारण हमारा जीवन जो है वो चल पा रहा है। अगर ये नहीं होती तो शायद पृथ्वी पर भी जीवन नहीं होता, ये आपके नंबर वन पॉइंट में कह रहे हैं। नंबर टू पॉइंट देखेंगे, पोषक तत्वों के परिवहन हेतु तरल माध्यम जल है। यानी आपको पता है कि पृथ्वी पर पोषक तत्वों के परिवहन, परिवहन क्या होता है, ट्रांसपोर्ट, यानी परिवहन के लिए इधर से उधर ले जाने के लिए तरल माध्यम हमारा जो है वो जल यानी वाटर है। वाटर के माध्यम से पोषक तत्व यहाँ से वहाँ जा सकते हैं। नंबर थ्री देखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प उपस्थित है। यानी कि आपको पता है कि सांस लेने के लिए CO2 जरूरी है व H2O जल वाष्प जरूरी है, तो वो भी आपकी सिर्फ पृथ्वी पर ही उपस्थित है, इसी कारण पृथ्वी पर ही जीवन संभव है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, रक्षात्मक आवरण के रूप में वायुमंडल है। आपको पता है कि एटमॉस्फेयर भी अर्थ पर ही है, तो वो किसका कार्य करता है, वो हमारा रक्षात्मक आवरण मीन्स सेल का काम करता है, जो हमारी कई सारी हानिकारक गैसों से हमारी रक्षा भी करता है। नेक्स्ट देखेंगे, पृथ्वी निम्नलिखित तीन परतों में विभाजित की गई है। पृथ्वी की भी आपकी जो है वो तीन लेयर हैं। देखेंगे कौन कौन सी लेयर हैं आपकी पृथ्वी की, एक मिनट का समय दीजिए मुझे, मैं ज़रा ब्रश इनेबल कर लूँ। तो आप देखेंगे कि आपकी पृथ्वी पर भी तीन लेयर्स हैं। सबसे पहली लेयर है आपकी भू परपटी मीन्स क्रस्ट, सेकेंड लेयर है आपकी प्रवार मीन्स मेंटल, और थर्ड लेयर है आपकी क्रोड यानी कोर। तो पृथ्वी पर आपकी तीन लेयर हैं। आप इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, क्योंकि आपसे हद से हद क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है कि पृथ्वी की तीन लेयर बताइए, तो आप बता देंगे भूपरपटी, प्रवार तथा क्रोड हैं आपकी तीन जो लेयर हैं। अगर आपको इनके बारे में डिस्क्रिप्शन भी पूछा जाता है कि इनको डिस्क्राइब भी कीजिए कि पृथ्वी की तीन लेयर क्या है, तो आई होप बुक आप सभी के पास होंगी, लेकिन ये इतना इम्पोर्टेंट होता नहीं है कि आपको इसमें लिखने के लिए भी पूछें। इस जो चैप्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो मोस्टली आपके सौर मंडल से बनते हैं, तो उसमें मैंने कुछ नहीं छोड़ा है, वो आपको पूरा पढ़ा दिया है, और मोस्टली क्वेश्चन इसी से बनते हैं, जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है उससे बन जाएंगे। तीन लेयर पूछी जा सकती है, तो वो मैंने आपको बता दी कि कौन कौन सी होती हैं, भूपरपटी, प्रवर तथा क्रोड, आपकी तीन लेयर होती हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, नोट लिखा है, एक नोट डाल के लिख लेंगे। आई होप आप सब नोट्स बना रहे होंगे, मैंने क्लास वन में भी बता दिया है कि नोट्स सबको अपने ही प्रिपेयर करने हैं। तो आप देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे, पृथ्वी पर चंद्रमा मून ग्रह परिक्रमा करता है। यानी क्वेश्चन बन सकता है कि पृथ्वी पर कौन सा उपग्रह जो है वो परिक्रमा करता है, तो आप नॉर्मली मून लिख देंगे, क्योंकि मून ही तो परिक्रमा करता है। मैंने क्लास वन में भी बताया था कि मून परिक्रमा करता है। ओके,
चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। नेक्स्ट आपकी है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की तीन परतें कौन कौन सी हैं जो मैंने आपको पढ़ाई हैं, वो इसका फिगर है। फिगर लाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप अच्छे से समझ जाएं, और कोई भी मोटिव नहीं है फिगर को लाने का, सिर्फ इतना सा मोटिव है कि आपको समझ में आ जाए कि आखिर मैंने बताया क्या था। तो देखेंगे, सबसे पहली लेयर आपकी होती है कोर, जो कि मैंने आपको बताई थी। कोर इसकी लेयर होती है, जिसको क्रोड भी कहते हैं। देन आपकी ये जो रेड, ये जो रेड पार्ट है इसको आपका मेंटल कहते हैं, ये आपकी मेंटल लेयर है। और जो सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको कहते हैं क्रस्ट। फिर जो हमारी क्रस्ट के ऊपर जो भी मैदानी भाग होता है, या फिर जलीय भाग होता है, या फिर कोई सा भी क्षेत्र होता है, पर्वत पहाड़ जो भी होते हैं, वो हमारे क्रस्ट के ऊपर होते हैं। ओके, तीन लेयर आप समझ गए, कोर मेंटल एंड क्रस्ट, ये आपकी पृथ्वी की तीनों लेयर्स हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका सूर्य ग्रहण। एक मिनट देंगे मुझे। अभी आप सब एक काम और करेंगे कि जो पृथ्वी की आपकी तीनों लेयर्स थी, क्रस्ट, मेंटल व कोर, आप उनका जो है थोड़ा सा उनके बारे में भी लिख लेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि डिस्क्राइब करके ना पूछा जाए, कि बड़ा सा क्वेश्चन ना पूछा जाए आपका, लेकिन एक नंबर में क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं चाहती हूँ कि आपका कुछ भी छूटे ना, अगर बाई चांस कुछ भी बनता है तो वो आप लिख लें। तो आप थोड़ा थोड़ा सा इन तीनों में भी लिख लेंगे, है ना, इन तीनों लेयर्स में भी थोड़ा थोड़ा सा लिख लेंगे, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैं सबसे पहले आपका भूपर्पटी हेडिंग पृथ्वी की परतों में पढ़ाया था, तो सबसे पहले आप अपना भूपर्पटी ही डालेंगे, भूपर्पटी हेडिंग ही डालेंगे। इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें हैं वो आप लिखेंगे, भूपर्पटी हेडिंग। देन आप इसमें नंबर वन पॉइंट लिखेंगे, भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे भारी परत होती है। यानी क्वेश्चन ये बन सकता है कि भूपर्पटी किस नंबर की परत होती है, मीन्स भूपर्पटी कहाँ पर पाई जाती है पृथ्वी पर। तो आप इस पे लिखेंगे भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे भारी परत है। नंबर वन पॉइंट आपका हो गया, भूपर्पटी पृथ्वी की सबसे भारी परत है। नंबर टू लिखेंगे, भूपर्पटी का 3/4 यानी 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। भूपर्पटी का 3/4 भाग पानी से ढका हुआ है। नंबर थ्री पॉइंट लिखेंगे, भूपर्पटी के बार बार टूटने और पुनः संगठित होने की क्रिया से सागर और महाद्वीप बनते हैं। भूपर्पटी के बार बार टूटने और पुनः संगठित होने का मतलब है दोबारा जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है, उसी से सागर और महाद्वीप बनते हैं। भूपर्पटी की मोटाई, नंबर फोर्थ पॉइंट लिखेंगे, नंबर चार डाल के, भूपर्पटी की मोटाई 35 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक होती है। लास्ट पॉइंट में लिखेंगे, भूपर्पटी की मोटाई 35 किलोमीटर से 60 किलोमीटर तक होती है। तो ये आपके चार पॉइंट हो गए भूपर्पटी यानी क्रस्ट में, राइट, क्रस्ट में आपके चार पॉइंट हो गए, ये आपकी क्रस्ट। देन नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रवार यानी मेंटल। मेंटल जो होती है वो आपकी मध्य में होती है, यानी मेंटल जो है नंबर वन पॉइंट डाल के लिखेंगे,
प्रवार भूपर्पटी के नीचे पाई जाती है। प्रवार परत ऐसे लिखेंगे, प्रवार परत भूपर्पटी के नीचे पाई जाती है। नंबर टू डाल के लिखेंगे, प्रवार लोहे मैग्नीशियम व सिलिकेट से बनी होती है। प्रवार लोहे तथा मैग्नीशियम के सिलिकेट से बनी होती है। नंबर थ्री पॉइंट डाल के लिखेंगे, प्रवार तरल अवस्था में है। नंबर थ्री में लिखेंगे, प्रवार तरल अवस्था में है यानी लिक्विड में है। नंबर चार लिखेंगे, इसका घनत्व 4.5 से 5.5 तक होता है। प्रवार का घनत्व या इसका घनत्व 4.5 से 5.5 तक है। नेक्स्ट आपकी लिखेंगे क्रोड यानी कोर। लास्ट जो है परत वो है आपकी क्रोड यानी कोर। दिस येलो पार्ट इज कोर यानी क्रोड। ओके, दिस येलो पार्ट वेट इज कोर, राइट। ओके, तो इसमें लिखिए नंबर वन पॉइंट, ये पृथ्वी के सबसे अंदर की परत है। यह पृथ्वी के सबसे अंदर की परत है। वह इसका आकार गोल है। वह इसका आकार गोल है। क्रोड का निर्माण लोहा और निकल से हुआ है। क्रोड का निर्माण लोहा व निकल से हुआ है। एक नंबर में आपका क्वेश्चन बन सकता है, ये नॉर्मली पूछा जा सकता है कि जो पृथ्वी की परत क्रोड है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो आप लिख देंगे कि पृथ्वी की परत का निर्माण लोहा और निकल से हुआ है। आयरन एंड निकल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, इसका ताप लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका ताप लगभग 4000 डिग्री सेंटीग्रेड है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्रोड को नीफे नाम से भी जाना जाता है। क्रोड को नीफे नाम से भी, क्रोड को नीफे ऐसे लिखेंगे, नीफे नीफे नाम से भी जाना जाता है। ये आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बन सकता है कि क्रोड को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप टिक लगा देंगे नीफे। क्रोड का घनत्व, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्रोड का घनत्व 11 होता है।
मीन्स 11 होता है। ठीक है, ये आपकी अर्थ की सारी जो परतें हैं उनका मैंने थोड़ा थोड़ा सा लिखवा भी दिया कि बाई चांस अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप कर लें, है ना, आपको कोई भी परेशानी ना हो। राइट, नेक्स्ट आपका आ जाएगा सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण, मीन्स सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स। ओके, ये आपका ऐसे मान लीजिए बहुत इम्पोर्टेंट है, सोलर इक्लिप्स और ल्यूनर इक्लिप्स आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही बनता है, या तो आपका लघु उत्तरीय में होगा, या फिर उत्तरीय में होगा, या फिर आपका ऑब्जेक्टिव में होगा, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। वो आपको बताऊंगी कि इस पे संभावित प्रश्न कौन कौन से हो सकते हैं, जिससे कि आपके दिमाग में है ना एक व्यू आ जाए कि इस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। राइट, ओके, नाउ आप लोग हेडिंग डालेंगे सूर्य ग्रहण यानी सोलर इक्लिप्स। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा पीपीटी, क्योंकि ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सोलर इक्लिप्स को लिखने में, ये एस ओ एल ए आर है यानी सूर्य ग्रहण। चलिए इस पे लिखिए, सबसे पहले चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है, है ना, ये मैंने आपको बता दिया था जब सौरमंडल पढ़ाया था कि चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है यानी घूमता है, व पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर घूमती है। ये भी मैंने आपको बता दिया था कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी का परिक्रमा करता है और पृथ्वी जो है वो सूर्य का परिक्रमा करती है, बल्कि पृथ्वी ही नहीं सारे जो ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो पृथ्वी भी हमारी सूर्य की परिक्रमा करती होगी। तो स्थिति क्या बनती है, अभी आप ये समझिए कि सूर्य ग्रहण को पढ़ने में यानी बनने में स्थिति क्या बनती है, हमारा सूर्य ग्रहण आखिर बनता कब है। तो जैसे चंद्रमा लगा रहा है पृथ्वी के चक्कर और पृथ्वी लगा रही है सूर्य के, तो घूमते घूमते एक ऐसी स्थिति बन जाती है जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है। जो चंद्रमा होता है घूमते घूमते वो सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तब चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ने लगती है। तो जब चंद्रमा आ जाएगा बीच में तो और सूर्य इसके इधर साइड होगा, मींस राइट एंड लेफ्ट एंड साइड में होगा, तो उसकी छाया जो है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है, जिससे पृथ्वी पर खड़े मनुष्य को सूर्य नहीं दिखाई देता है। अर्थात जब ऐसी कंडीशन बनती है तो पृथ्वी पर खड़े मनुष्य को सूर्य दिखाई नहीं देता है, इसी स्थिति को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, सूर्य ग्रहण कहते हैं। जब चंद्रमा आ जाएगा आपका पृथ्वी और सूर्य के बीच में, है ना, चंद्रमा कहाँ आ जाएगा, पृथ्वी और सूर्य के बीच में, तभी आपका जो है वो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। अभी आप ये समझेंगे कि इसमें आपसे क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। एक तो आपका अति लघु उत्तरीय में ये पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो आप नॉर्मली आंसर दे देंगे कि जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, है ना, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, ये देखिए मून आपका सूर्य और अर्थ के बीच में आ जाता है, तब आपकी सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है। एक आपसे प्रश्न इस तरीके से पूछा जा सकता है, और आपसे ये लघु उत्तरी में भी पूछा जा सकता है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति को दर्शाइए, बल्कि आपको फिगर के साथ भी पूछा जा सकता है कि उसका चित्र भी बनाइए, है ना। तो ये आपको इस तरीके से सूर्य ग्रहण को पूछा जा सकता है। आई होप आपको सूर्य ग्रहण तो समझ में आ गया होगा। इसको याद रखने के लिए थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक भी लेके आई हूँ मैं, कि आपको पता चल जाए कि इसको, नॉर्मली मैंने देखा है कि याद रखने में बहुत कठिनाई होती है कि चंद्रमा किसके बीच में होना चाहिए या पृथ्वी किसके बीच में होना चाहिए, तब सूर्य ग्रहण होता है या फिर चंद्र ग्रहण होता है, तो इस बात में बहुत कंफ्यूजन रहता है। तो इसके लिए मैं आपकी ट्रिक भी लेके आई हूँ कि आपको ये याद रह जाए, मतलब आपके दिमाग में उतर जाए। चंद्र ग्रहण पढ़ाने से पहले चंद्र ग्रहण को जब बताऊंगी, आप लोग मुझे एक बात और बताएंगे सबसे पहले कि आपको ऐसे हैंड राइटिंग में पीपीटी बना के लाती हूँ तो वो आपको ज़्यादा समझ में आता है, या फिर आप बुक के जो नोट्स होते हैं आप उनसे पढ़ना चाहेंगे, तो आप जैसे भी पढ़ना चाहेंगे आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताएंगे, आपके कॉमेंट देखूंगी, फिर नेक्स्ट जो पीपीटी है वो आपकी इसी हिसाब से लेके आऊँगी, है ना, तो आप वो भी देख के मुझे बताएंगे। ओके, नाउ अभी आपका आ रहा है चंद्र ग्रहण, देखेंगे अभी आप लोग।
चंद्र ग्रहण यानी ल्यूनर इक्लिप्स, राइट। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण समझिए क्या होता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है और जो पृथ्वी है वो सूर्य का परिक्रमा कर रही है, तो परिक्रमण के कारण जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाती है, अभी आप पहले देखेंगे कि क्या हो रहा था कि मून आ रहा था सन और अर्थ के बीच में, अभी आपका जो आ रहा है वो अर्थ आ रहा है सन और मून के बीच में। ये तीनों एक दूसरे की प्रकृति, तीनों नहीं कर रहे हैं एक दूसरे की, आपका जो मून और अर्थ है वो परिक्रमा कर रहा है सन की और जो मून कर रहा है वो कर रहा है अर्थ की। तो क्या होता है कि एक स्थिति ये भी बनती है कि परिक्रमण के कारण जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा पृथ्वी की छाया में आ जाता है। तो अभी क्या हो रहा है कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी की छाया में आ जाता है, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि सूर्य का जो प्रकाश होता है वो चंद्रमा पर नहीं पड़ पाता है। तब क्या होता था कि सूर्य का प्रकाश अर्थ पर नहीं पड़ पाता था, तब होता था सूर्य ग्रहण, तो अभी होता है चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, इसके कारण चंद्र ग्रहण पड़ता है, मीन्स जिसको चंद्र ग्रहण कहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात और ही याद रखेंगे, ये केवल पूर्णमासी के दिन होता है, जो आपका चंद्र ग्रहण है वो केवल पूर्णमासी के दिन होता है, राइट। यहाँ तक आपको आई होप यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। सो गाइज, ये तो आपकी बात हो गई सूर्य ग्रहण की और चंद्र ग्रहण की। तो अभी आपका जो मेन पॉइंट आता है, यहाँ पे भी आप कुछ लिखा हुआ देख रहे होंगे, ये लिखा है समा और ये लिखा है शाम, इसको पढ़ेंगे समा, इसको पढ़ेंगे शाम। ये है आपकी सोलर ग्रहण, सॉरी सोलर ग्रहण बोल रही हूँ मैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण को याद रखने की ट्रिक। आप सिर्फ ये दो वर्ड याद रखेंगे, एक तो आप याद रखेंगे समा, क्षमा, समा किसके लिए है, सूर्य के लिए, सन के लिए, मीन्स सूर्य ग्रहण के लिए, ओके। और शाम एस ए एम एम, एक मिनट, और ये आपकी जो है शाम, ये आपकी मून के लिए, राइट, ये रहा आपका मून के लिए। समा एस यानी, एस यानी सन, एस यानी सन, एम यानी मून, मून शॉर्ट में समझ लेंगे, मैं बस आपको लिख के बता रही हूँ और कुछ भी नहीं है इसको बताने का मोटिव। और ए यानी, वैसे तो आपको पता है कि आपकी अर्थ जो है वो ई से बनती है। नाउ जो आपकी इसमें मतलब ट्रिक आप समझ ही सकते हैं कि ट्रिक कैसे बनाई जाती है, आपको समझाने के लिए बस रखा है। तो आप ए को यहाँ पे अर्थ से डिनोट करेंगे, अर्थ ऐसे लिख देंगे आप अर्थ, इसको भी तो अर्थ ही पढ़ेंगे ना। वैसे आपकी नॉर्मली अर्थ की जो स्पेलिंग है वो ये होती है ई आर ई ए आर टी एच, लेकिन नहीं, यहाँ पे हमने ए से डिनोट कराया अर्थ को, ठीक है, ए आर टी एच, बस याद रखने के लिए ट्रिक है, कोई कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आप ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे इस पर। हालांकि आपको बस दो चीज़ें याद रखनी है, शाम और समा, शाम का मतलब है सन, मून और अर्थ, देख पा रहे हैं आप, ये सन और अर्थ के बीच में मून है, यानी क्या होगा आपका सोलर इक्लिप्स, ओके, सोलर इक्लिप्स मीन्स आपका सूर्य ग्रहण। अगर आप मन में ये स्थिति याद रखेंगे सन मून और अर्थ वाली, तो इसका मतलब आपका होगा सूर्य ग्रहण और दूसरी स्थिति आपकी है शाम, शाम, तो एस से आपका सन, बीच में आपकी जब अर्थ आएगी और इधर साइड आपका राइट हैंड साइड आपका मून होगा, तो वो आपकी ल्यूनर इक्लिप्स होगा, ल्यूनर, ओके।
ल्यूनर, ल्यूनर। ओके, तो ये बस दो ट्रिक थी इम्पोर्टेंट, आप इनको याद रखेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। और दूसरी ट्रिक ये याद रख सकते हैं कि आपको समा और शाम भी याद रखने में प्रॉब्लम हो, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि चंद्र ग्रहण जो होता है वो क्या, चंद्रमामा जो होते हैं हमारे वो शाम को ही तो निकलते हैं, तो इसका मतलब शाम होगा चंद्र ग्रहण, और समा, समा मीस हो जाएगा जब एक शाम हो ही गया तो अगला स्वाभाविक सी बात है कि आपका एक दिन हो जाएगा, मीन्स दिन से मतलब आपका सूर्य ग्रहण से हो जाएगा। नाउ अभी मेरे पास इसका फिगर भी है आपको और ट्रांसपेरेंसी से क्लियर करने के लिए, फिगर भी है तो आप फिगर से समझेंगे, राइट। नेक्स्ट आप देखेंगे इसका फिगर, फिगर क्या कह रहा है। सबसे पहले देखिए ये क्या है आपका सन, सन देखा होगा आप सभी लोगों ने, इसी प्रकार पीला होता है ना, सन लिखा हुआ है ये सन। सन के बीच में क्या है आपका मून, ये आ गया आपका मून, ये क्या है अर्थ, यही बताया था ना मैंने, क्या है ये सन के बीच में और मून, सॉरी अर्थ के बीच में अगर मून आ रहा है तो क्या पड़ेगा बताइए, सूर्य ग्रहण बनेगा ना, सोलर इक्लिप्स, क्योंकि क्यों बनेगा, क्योंकि सन और अर्थ के बीच में मून आ रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा सोलर, सोलर इक्लिप्स, राइट। तो सोलर, इसका सोलर इक्लिप्स का जो फिगर बनाने के लिए आता है तो आप वो इसी तरीके से बना सकते हैं, सन बनाएंगे, बीच में मून बनाएंगे, देन अर्थ बनाएंगे, देन स्कैटरिंग ऑफ लाइट दिखा देंगे कि किस तरीके से पड़ती है या फिर नहीं पड़ पाती है। जो सोलर इक्लिप्स की जो कंडीशन होती है उसमें जो सन की लाइट होती है वो अर्थ तक नहीं पहुँच पाती है, इसी कारण हमारा सोलर इक्लिप्स दिखाई देता है, राइट। अभी नेक्स्ट देखेंगे आपका लास्ट फिगर है ये आपका ल्यूनर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण का, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति भी देख लीजिए किस तरीके से पड़ता है। ये आपका हो गया, वेट अ मिनट, ये आपका हो गया सन, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ क्योंकि इस पर पता नहीं चल रहा, तो लेते हैं ब्लू, ब्लू पता चलेगा, तो ये आपका है सन, राइट, सन, और बीच में आपकी आ गई अर्थ, देन आ गया आपका मून। जब सन और मून के बीच में अर्थ होती है तो आपका ल्यूनर इक्लिप्स बनता है यानी चंद्र ग्रहण, चंद्र, राइटिंग बहुत गंदी आती है, चंद्र ग्रहण, राइट। समझ गए होंगे आप समा और शाम का अर्थ क्या है, जब मून आएगा सन और अर्थ के बीच में तब आपका सूर्य ग्रहण, लास्ट समझ लीजिए जब आपका सन और मून के बीच में अर्थ आएगी तो वो आपका चंद्र ग्रहण। ओके, यहाँ पे आपका ये टॉपिक बिल्कुल फिनिश होता है, आपका जो सोलर सिस्टम है, सौर मंडल है, वो आपका पूरा फिनिश हो गया है। नाउ अभी आपका कल से जो शुरू होगा वो आपका शायद मेरे हिसाब से पृथ्वी है। आप लोगों से एक चीज़ और बोलना चाहूँगी कि जिन भी लोगों के पास बुक्स हैं ना आप में से, आई होप आप सभी ने बुक ले ली होंगी, राइट, तो आप बुक से थोड़ा बहुत पढ़ के आएंगे क्योंकि बुक से पढ़ के आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे माइंड में विज़न रहता है कि आगे क्या आने वाला है या फिर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आप बुक से देख के आएंगे थोड़ा बहुत क्या आगे रहने वाला है, उसी हिसाब से आपकी नेक्स्ट क्लास की शुरुआत होगी। बाकी इन दो क्लासों को भी फर्स्ट क्लास जिसने नहीं देखी है वो देख लेंगे, राइट, फर्स्ट क्लास देखेंगे तभी आपको सेकंड समझ में आएगी, फर्स्ट ही नहीं देखेंगे तो सेकंड भी नहीं आएगी, फिर थर्ड तो क्या ही आएगी, आपका इंटरेस्ट ही चला जाएगा। तो आपका कल साइड टॉपिक शुरू होगा नेचुरल पावर्स, राइट, तो कल से आप नेचुरल पावर पढ़ेंगे,
सो नाउ नेचुरल पावर्स में आप देख के आएंगे, थोड़ा सा बुक से पढ़ के आएंगे, नेचुरल पावर्स में आप लोग नदी की अवस्थाएं, सागरीय लहरें या फिर मृदा वगैरह बहुत कुछ दिया गया है, तो वो भी आप सभी लोग नेचुरल पावर्स में देख आएंगे तो मुझे आपको समझाने में ईजी रहेगा। तो आई होप आप सभी लोग पढ़ के आएंगे। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, है ना। ओके, थैंक यू, बाय।